अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टेनोवर्क्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद वसीम, आज एक और नए टॉपिक के साथ। तो जी स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि वो दरमियान से लेक्चर सुन लेते हैं और उसके बाद जो है ना वो उनके क्वेश्चन ये आते हैं कि सर ये जो है वो पी कंसोनेंट किस तरह लिखेंगे, डी कंसोनेंट किस तरह लिखेंगे। तो उनके लिए जो है वो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि मेरे जितने भी मतलब चैप्टर्स हैं वो लेसन वाइज है, लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, तो वो तरतीब से मतलब चैप्टर्स को सुने और उसके बाद जो है वो आगे की तरफ बढ़े हैं। ऐसा कभी ना कीजिएगा कि दरमियान से आप लेक्चर सुन रहे हैं और उसको जो है वो आप फिर आप अब उसके बाद क्वेश्चन पुट करते हैं, तो ऐसा जो है वो इस तरह से ये जो है सही बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा कि आप जो बिगनर्स हैं ख़ास तौर पर वो तरतीब के साथ मेरे लेक्चर सुनें और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन करें, ठीक हो गया जी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कंसोनेंट एस के हवाले से। कंसोनेंट एस, कंसोनेंट एस एंड जी, दो कंसोनेंट के हवाले से है, कंसोनेंट एस एंड जी, ठीक है जी। अच्छा, आप एक बात याद रख लें, जो एस है या जी है ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं इंग्लिश के अंदर, और हमने इनके स्ट्रोक्स पढ़े थे वो इस तरह के स्ट्रोक्स थे। एस का ये स्ट्रोक लाइट और जी का भी इसी सिमेट्री में डार्क स्ट्रोक, ठीक हो गया। लेकिन जब हम स्पीड में लिख रहे होते हैं या जो है अगर हमें स्पीड में लिखना हो तो इस तरह के स्ट्रोक्स के साथ लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि स्ट्रोक की सिमेट्री और स्ट्रोक की शेप इस तरह की बन जाती है कि जो है उसको टाइम लगता है बनाने में, ठीक हो गया। तो आसानी के लिए हम एस और जी को जो है वो सर्कल की फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से, ये आपका एस एंड जी कहलाएगा, ठीक हो गया जी। सर्कल की फॉर्म में आप लिखेंगे इसको। अच्छा, अब एस और जी को आप सर्कल में तो लिख रहे हैं, तो इस सर्कल की जो डायरेक्शन है मतलब आपने सर्कल जो है वो किस डायरेक्शन में लिखना है, तो इसकी दो डायरेक्शंस होती हैं, ये भी आप अपने जहन में रखें। एक होती है जी एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरी डायरेक्शन होती है जी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। यानी सर्कल आप जो है वो इस तरह से बन सकता है, ये डायरेक्शन होगी, या सर्कल आपका जो है वो इस तरह से बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है स्ट्रोक्स, जो अपकमिंग स्ट्रोक जिसके साथ एस सर्कल अटैच हो रहा है, ठीक हो गया जी। तो ये था जी एस सर्कल की डायरेक्शन के हवाले से, ठीक है जी। अच्छा, इसमें दूसरी बात ये है कि जो एस सर्कल है आपका, आप उसको स्ट्रोक की जो है वो स्ट्रोक की बिगनिंग पे भी प्लेस कर सकते हैं, स्ट्रोक के मिडल में भी, और स्ट्रोक के एंड पर भी प्लेस कर सकते हैं जी। एस सर्कल कैन बी प्लेस्ड, उसको आप प्लेस कर सकते हैं एट द बिगनिंग एंड मिडल में भी प्लेस कर सकते हैं, बिगनिंग में भी और एंड पर भी। देखें जी, मिसाल के तौर पर ये बेसलाइन है आपकी और एक कंसोनेंट है, बिगनिंग में किस तरह से प्लेस करेंगे, एस सर्कल, और ये आ गया बिगनिंग पे, ठीक है जी, बिगनिंग। अगर आपको मिडल में प्लेस करना हो तो मिडल में किस तरह से प्लेस करेंगे, ये मिडल में आगे दो कंसोनेंट के साथ एस सर्कल, ये आगे आपका मिडल में, मिडल, ठीक है जी। अगर आपको एंड में प्लेस करना पड़ जाए तो एंड में आप कैसे प्लेस करेंगे, इस तरह से, ठीक हो गया, ये आगे आपका एंड। तो ये तीन प्लेसेस हैं एस सर्कल को प्लेस करने के किसी भी स्ट्रोक में, तो इस तरह से आप एस सर्कल का जो है वो
प्लेस करेंगे। अब हम जो है वो कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं कि एस सर्कल को हमने किस तरह से जो है वो कर्व स्ट्रोक में प्लेस करना है और एस सर्कल को किस तरह से हमने जो है वो स्ट्रेट स्ट्रोक में प्लेस करना है। ठीक हो गया जी, कुछ हम रूल्स उसके जो है वो पढ़ लेते हैं जी। रूल नंबर जी, आपका जो कर्व कंसोनेंट है, इन कर्व कंसोनेंट, इन कर्व कंसोनेंट दी एस सर्कल, जो एस सर्कल होगा रिटन, उसको हम लिखेंगे रिटन इनसाइड, अंदर की तरफ, इनसाइड दी कर्व, कर्व के अंदर की तरफ आप करके लिखेंगे। ठीक हो गया जी। जिस तरह से मैं आपको चंद एक एग्जांपल दूं, पहले तो आपको ये बताना चाहिए कर्व कंसोनेंट कौन से हैं। ठीक है जी, पढ़ चुके हैं हम एफ वी इथ द, इथ दी एस जी, एस जी इश एंड जी, उसके अलावा एन एंड एम, ये आपके कर्व कंसोनेंट है। ठीक है, तो कर्व कंसोनेंट्स के इनसाइड पर प्लेस होगा आपका एस सर्कल। ठीक है जी, जैसे जो है मिसाल के तौर पर वर्ड है आपके पास फेस, 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 एफ ए सी ई, फेस। ठीक है जी, देखें एफ और ये इनसाइड द कर्व आपका जो है वो एस प्लेस हो रहा है और ये लॉन्ग ए का वावल, फेस। ठीक है जी, जैसे वर्ड है आपके पास जी दीज, दीज, टी एच ई एस ई, दीज, देखें जी द थ्रू द लाइन लॉन्ग ई के साथ है और ये लॉन्ग ई का वावल, दीज, फेस, दीज। ठीक है जी, जैसे वर्ड है आपके पास जी नेम्स, एन ए एम ई एस, नेम्स, एन एम और ये एस, नेम्स, इनसाइड द कर्व जो है वो एस प्लेस हो रहा है, फेस, दीज, नेम्स। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है जी नोज, के एन ओ डब्ल्यू एस, नोज, देखें जी इसमें किस तरह से होगा एन, एन के साथ इनसाइड द कर्व और ये एस, नोज। ठीक हो जी, हो गया जी। जैसे वर्ड है हमारे पास जी शूज, शूज, इश थ्रू द लाइन और ये लॉन्ग ऊ के साथ, शूज। ठीक है जी, देखें जी इनसाइड द कर्व प्लेस हो रहा है। इसके बाद जैसे वर्ड है हमारे पास लॉस, लॉस, शॉर्ट ऊ साउंड है, लॉस। ठीक है जी, जैसे वर्ड है हमारे पास जी लूज, लॉन्ग ऊ साउंड के साथ, लूज। ठीक है जी, लूज। ठीक हो गया, तो जो आपके कर्व कंसोनेंट्स होंगे उनके जो एस सर्कल है उनको हम, उसको हम इनसाइड द कर्व प्लेस करेंगे। ठीक हो गया जी, तो ये थी चंद एक एग्जांपल्स एस के हवाले से। तो इसी तरह से ये एस सर्कल जो है हमने एंड में प्लेस किया है, कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं जिसमें एस सर्कल पहले आ रहा है। जैसे हमारे पास लव्ज़ है जी सेफ, सेफ, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए जी एस, एस के बाद फिर ए वावल है, लिहाजा एफ से पहले आपने ए का कंसोनेंट लिखना है, फिर एफ, सेफ। ठीक हो गया जी, और ये ऑन द लाइन होगा आपका कंसोनेंट सेफ। ठीक है जी, जैसे वर्ड है आपके पास सीम, सीम, लॉन्ग ई के साथ, सीम। ठीक है, वर्ड है आपके पास सीन, एस, लॉन्ग ई के साथ, सीन, सीम, सीन। जैसे वर्ड है आपके पास सन, एस यू एन, सन। ठीक है, जैसे वर्ड है आपके पास जो है स्लो, स्लो, एस एल और शॉर्ट ओ, स्लो। ठीक हो गया जी, स्लो। तो ये एग्जांपल थी जी एस जहाँ शुरू में प्लेस हो रहा है, और ये एग्जांपल थी कर्व कंसोनेंट के साथ जहाँ एस एंड में प्लेस हो रहा है। हमने हमेशा जो एस सर्कल है हमारा इनसाइड द कर्व आपने प्लेस करना है उसको। ठीक हो गया, देखें जी एस सर्कल किस तरह से हमने मिडल में प्लेस करना है। एस सर्कल प्लेस, प्लेस बिटवीन टू स्ट्रोक्स, आप दो स्ट्रोक्स के दरमियान जो है वो एस सर्कल को कैसे प्लेस करेंगे। एस सर्कल प्लेस बिटवीन टू स्ट्रोक, किस तरह से प्लेस करेंगे, देखें जी। जैसे वर्ड है हमारे पास जी मैसेज, मैसेज, देखें जी एम एस इनसाइड और ये जे मैसेज।
ठीक है जी, मैसेज शॉर्ट ई के साथ मैसेज, जिसे वर्ड है हमारे पास जी बिजनेस, बी यू एस आई एन ई डबल एस, बिजनेस, ठीक है जी, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, ठीक हो गया जी, जैसे वर्ड है हमारे पास जैसे जो है वो एब्सेंस, एब्सेंस जैसे वर्ड है हमारे पास एब्सेंस, एब्सेंस, ठीक हो गया जी, एब्सेंस, ठीक है जी, जैसे वर्ड है हमारे पास कज़न, कज़न के एस यू एन, कज़न, ठीक है। तो इस तरह से आपने मिडल में प्लेस करना है जी एस सर्कल, ठीक हो गया। आप जो है वो इनसाइड द कर्व प्लेस करेंगे और दूसरा स्ट्रोक उधर से ही आप जो है वो शुरू कर देंगे, ठीक है। कज़न, ये चंद एक एग्जांपल थी जो है वो एस सर्कल जो है आपका मिडल में प्लेस हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद चंद एक शॉर्ट फॉर्म्स है वो देख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स एस सर्कल के हवाले से कुछ एक शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर लफ्ज़ आ जाए हैज़ या एज आ जाए, हैज़ या एज़, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, एस सर्कल अबव द लाइन अगर आप ड्रा कर देंगे अबव द लाइन, तो ये हैज़ या एज़ पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने हिज़ या इज़ लिखना हो तो एस सर्कल को ऑन द लाइन अगर आप रख देंगे तो ये हिज़ या इज़ पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने सेवरल लिखना हो, सेवरल सेवरल, तो एस सर्कल के साथ वी ऑन द लाइन अगर आप रख देंगे, एस सर्कल के साथ वी ऑन द लाइन अगर आप रख देंगे तो ये सेवरल पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने दोज लिखना हो, दोज, तो दोज के लिए आप दी और एस अबव द लाइन रख देंगे तो ये दोज पढ़ा जाएगा, ठीक है। दिस लिखना हो आपने, दिस टी एच आई एस, दिस लिखना हो तो दू के साथ एस ऑन द लाइन रख देंगे तो ये दिस पढ़ा जाएगा। इसी तरह से अगर दस टी एच यू एस दस आपने लिखना हो तो दू थ्रू द लाइन और एस सर्कल ड्रा कर देंगे तो ये दस पढ़ा जाएगा, ठीक है जी। तो ये चंद एक शॉर्ट फॉर्म्स थी एस के हवाले से। इसी तरह से अगर आप एस के साथ मतलब अगर हैज़ द या एज़ द आ जाए तो आपने किस तरह से लिखना है, हैज़ द अगर आ जाए तो एस बना के इसको हल्का सा आप टिक लगा दें तो ये हैज़ द या एज़ द हो जाएगा, ठीक है, अबव द लाइन। और इज द या हिज द आ जाए तो एस सर्कल बना के इसको इस तरह से आप टिक लगा देंगे तो ये इज द या हिज द हो जाएगा। ये थी चंद एक शॉर्ट फॉर्म्स एस के हवाले से जी। प्रिंसिपल नंबर थ्री ये है कि एस सर्कल जो है, एस सर्कल अगर एस सर्कल आपका जो है वो अप स्ट्रोक में आ जाए, जैसे आपका टी है या डी है, पी बी है, तो आप किस तरह से जो है वो, और इसके अलावा चे जे है, तो आपने एस सर्कल को किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने एस सर्कल को जो है वो एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन में लिखना है, यानी एंटी क्लॉक वाइज किस तरह से देखें जी, एस सर्कल को आपने एंटी क्लॉक वाइज लिखना है। ये एंटी क्लॉक वाइज से क्या मुराद है, यानी आपने राइट साइड पर लिखना है सर्कल को इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से ये राइट साइड पे आपने जो है वो प्लेस करना है, एंटी क्लॉकवाइज लिखना है जो भी अपस्ट्रोक हैं आपके, ठीक है। तो एस सर्कल क्या लिखेंगे हम, एस सर्कल रिटर्न एंटी क्लॉकवाइज मोशन, एंटी क्लॉकवाइज इन द स्ट्रेट, जो के स्ट्रेट अपस्ट्रोक हों, स्ट्रेट अपस्ट्रोक हो, ठीक है। और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम राइट साइड पे लिखेंगे, क्या हुआ, क्या हुआ, एस सर्कल को लिखा जाएगा रिटर्न एट द राइट साइड, एट द राइट साइड ऑफ द स्ट्रोक, स्ट्रोक की आप राइट साइड पे जो है वो एस सर्कल को प्लेस करेंगे, ठीक है जी। जैसे वर्ड है आपके पास पास, पास, ठीक है जी, पी अबव द लाइन पास, ठीक है। वर्ड है आपके पास डेज, ठीक है जी, डी डेज, ठीक है। जैसे वर्ड है आपके पास जी जितने भी स्ट्रोक हैं, जैसे लुक्स, एल डबल ओ के एस लुक्स, एल थ्रू द लाइन के और ये एस लुक्स, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पास डेज लुक्स। जैसे वर्ड है हमारे पास जी चूज, सी एच डबल ओ एस ई चूज, ठीक है जी। कैसे लिखेंगे दी, चे अबव द लाइन, थ्रू द लाइन सॉरी, और ये लॉन्ग ऊ के साथ चूज, ठीक है। जैसे वर्ड है हमारे पास जी कैचेस, सी ए टी सी
कैचिस, सी ए टी सी एच ई एस, कैचिस, ठीक है। इसमें कैसे लिखेंगे, के चे और ये एस, कैचिस, ठीक है जी। तो आपके स्ट्रेथ अपस्ट्रोक जितने भी होंगे उनमें हमने जो है वो क्लॉकवाइज लिखना है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, और इसका मतलब ये है कि हमने राइट साइड पे अपना स्ट्रोक बनाना है, ठीक है जी। अपना राइट साइड पे आपका स्ट्रोक बनेगा जितने भी अपस्ट्रोक्स होंगे, स्ट्रेथ स्ट्रोक होंगे, ठीक है। इस तरह से कुछ जो है वो इसमें हमने एंड में लगाया है, तो कुछ हम जो है वो बिगनिंग की बात कर लेते हैं, जहाँ जिसमें एस बिगनिंग में है। जैसे लफ्ज़ है हमारे पास सेट, शॉर्ट ए के साथ सेट, जैसे वर्ड है हमारे पास सैड, ठीक है जी। एस डॉट इधर क्यों लगा रहा हूँ, वॉवल इधर क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि डी से पहले ए है, सैड सैड सैड, ठीक है जी। जैसे वर्ड है हमारे पास सिट, ठीक है जी, सिट। जैसे वर्ड है हमारे पास जी सून, सून को रहने दें वो, क्योंकि कर्म हो जाएगा। जैसे वर्ड है हमारे पास जी सिक, एस आई सी के सिक, ठीक है जी, एस के और ये आई का वोवल ऊपर आ जाएगा के से पहले, ठीक है ना, सिक, ठीक है। तो ये चंद एक एग्जांपल थी एस स्ट्रोक के हवाले से, जिसमें जो है वो एस एंड में आ रहा है और बिगनिंग में आ रहा है, ठीक हो गया जी। अब हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स के हवाले से बात कर लेते हैं, हॉरिजेंटल स्ट्रोक के हवाले से देखें जी। एस सर्कल, एस सर्कल रिटन ऑन अपर साइड, अपर साइड पे लिखा जाएगा, अपर साइड ऑफ हॉरिजेंटल स्ट्रोक, हॉरिजेंटल स्ट्रोक की अपर साइड पे लिखा जाएगा। जैसे लफ्ज है हमारे पास कम्स, के कम्स, ठीक है। जैसे लफ्ज है हमारे पास जी गैस, गैस, गे एस, अपर साइड पे, हॉरिजेंटल स्ट्रोक के अपर साइड पे आप इसको लिखेंगे, ठीक है जी। जैसे वर्ड है हमारे पास लुक्स, ठीक है जी, अपर साइड पे लुक्स, लुक्स, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास एग्जांपल। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वर्ड है हमारे पास जी बुक्स, बुक्स, ठीक है जी। जैसे जो है, जैसे वर्ड है हमारे पास केस, के केस। जैसे वर्ड है हमारे पास कॉज, कॉज, ठीक है जी। ये अप साइड पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इनके हवाले से भी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ ओरिजेंटल स्ट्रोक के हवाले से। उसमें जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो नोट डाउन कर लें आप, शॉर्ट फॉर्म्स जी। देखें, अगर बिकॉज आपको कहीं लिखना पड़ जाए, बिकॉज, तो कैसे लिखेंगे, के अबव द लाइन, उसके साथ एस मिला देंगे तो ये बिकॉज कहलाएगा, ठीक है। अगर कहीं आपको स्पेशल लिखना पड़ जाए, स्पेशल या स्पेशलिटी या स्पेशल या स्पेशली, सॉरी स्पेशल आ जाए या स्पेशली आ जाए, स्पेशली, स्पेशली, तो आप कैसे लिखेंगे, एस और पी, एस और पी, ठीक है जी, स्पेशल और स्पेशली। इसी तरह से अगर आपको स्पीक लिखना पड़ जाए, स्पीक, एस पी ई ए के, स्पीक, एस एंड पी को थ्रू द लाइन कर देंगे, ये स्पीक कहलाएगा, ठीक है जी। एस और पी को थ्रू द लाइन कर देंगे, स्पीक कहलाएगा, ठीक है जी। अगर आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ जाए, सब्जेक्ट या सब्जेक्टेड आ जाए कहीं, सब्जेक्ट या सब्जेक्टेड, तो एस और बी को ऑन द लाइन कर देंगे, तो ये सब्जेक्ट या सब्जेक्टेड कहलाएगा, ठीक है जी। तो ये थी शॉर्ट फॉर्म्स एस सर्कल के हवाले से। शॉर्ट फॉर्म्स के साथ अगर आप जो है वो आपको एडिशन करनी पड़ जाती है, जैसे स्पीक है लव, स्पीक, इसके साथ अगर ये स्पीक्स हो जाए तो आप कैसे लिखेंगे, देखें, एस पी थ्रू द लाइन स्पीक होता है, और ये इसके साथ एस मिला देंगे, स्पीक्स, ठीक है। इसी तरह से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है वो एस बी ऑन द लाइन है, अगर इसके साथ एस मिला देंगे तो ये सब्जेक्ट्स कहलाएगा, ठीक है जी। जैसे वर्ड आपके पास आ जाता है जी यूअर्स, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, डाउनवर्ड आर और एस ऑन द लाइन यूअर्स, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ईयर्स अगर आ जाए तो कैसे लिखेंगे, ईयर्स, एस मिला देंगे इसके साथ। इस तरह से अगर विशेज अगर आपको लिखना पड़ जाए, इश थ्रू द लाइन विश होता है और ये एस, इसी तरह से तमाम जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स के साथ अगर ऐसा आया तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है जी। जी चंद, अब चंद एक कुछ फ्रेजेस पढ़ लेते हैं, फ्रेजेस
एस सर्कल के हवाले से। देखें अगर आपको फोर अस अगर लिखना हो जाए पड़ जाए फोर अस तो कैसे लिखेंगे, देखें फोर की शॉर्ट फॉर्म ये है एफ अबव द लाइन और इसके साथ एस मिला देंगे ये हो जाएगा फोर अस, ठीक है। अगर आपको लिखना पड़ जाए जी गिव अस, ठीक है, तो गे ऑन द लाइन और ये एस, ये हो जाएगा जी आपका गिव अस, ठीक है। अगर आपको लिखना पड़ जाए जी मेकिंग मेकिंग अस, ठीक है जी, देखें मेकिंग कैसे लिखते हैं एम के ये इंग हो जाएगा उसके साथ ही एस मिला देंगे मेकिंग अस, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रेज बना सकते हैं। अगर आपको टू अस लिखना पड़ जाए टू अस तो इस तरह से टू अस, ठीक है जी। तो ये चंद एक फ्रेज थे एस के हवाले से। इसी तरह से अगर आपके पास जो है जैसे अगर आपके पास जैसे अगर आपने जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था शॉर्ट फॉर्म्स व्हाट वुड जो है व्हाट वुड व्हेन और विद, इनके साथ अगर ऐसा आ जाए तो किस तरह से लिखेंगे इन शॉर्ट फॉर्म्स के साथ। देखें जी अगर जो है वो व्हेन 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 इज़ आ जाए, ठीक है, व्हेन इज़ तो कैसे लिखेंगे जी, ये व्हेन हो गया और ये इज़ इसी के साथ मिला देंगे, ठीक है। अच्छा अगर आ जाए आपके पास विद अस आ जाए विद अस, ठीक है, तो विद और अस विद अस, ठीक है जी। अच्छा विद अस के साथ अगर अगर ये इस तरह से हो जाए व्हाट इज़ द, अगर ये हो जाए लव्स व्हाट इज़ द तो इसको कैसे लिखेंगे, देखें व्हाट इज़ और इसी को थोड़ा सा बाहर आप टिक लगा देंगे तो ये व्हाट इज़ द हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से वुड वुड के साथ अगर आप लिखना चाहते हैं या जो है वो व्हाट के साथ लिखना चाहते हैं व्हाट इज़ तो व्हाट इज़ फिर आप इस तरह से लिखेंगे व्हाट इज़ और व्हाट इज़ द, इसको आप क्रॉस करके लिख देंगे इस तरह से व्हाट इज़ द, ठीक हो गया जी। अगर आपके पास दो स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स हों, ठीक है, दो स्ट्रेट स्ट्रोक हों, सपोज जैसे एक हॉरिजॉन्टल हो और एक वर्टिकल, तो उनके दरमियान में अगर ऐसा आ जाए तो आपने एस को आउटसाइड निकाल देना, अंदर की तरफ नहीं बनाना बाहर की तरफ बनाना है, ठीक है। जैसे वर्ड है हमारे पास जी डेस्क डी ई एस के डेस्क, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखें एक जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल स्ट्रोक, इसमें किस तरह करेंगे डी एस को बाहर निकाला और ये के डेस्क, ठीक है। अगर वर्ड आ जाए आपके पास डिस्कस, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, देखें जी एस को बाहर निकाला डिस्कस, ठीक है जी। इसी तरह से वर्ड आ जाए आपके पास अपोजिट अपोजिट, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, देखें जी पी एस टी और आपने एस को बाहर निकाल दिया अपोजिट, ठीक है। जैसे आपके पास वर्ड जो है वो आ जाए जी, जैसे वर्ड है आपके पास जस्टिस जस्टिस, ठीक है, देखें जी जे एस टी और ये एस। इसी तरह से जो है वर्ड अगर आपके पास आ जाए जी सिक्सटी सिक्सटी अगर आपने लिखना हो तो सिक्स ये वाले एस को बाहर निकाल दिया वाई का वावल सिक्सटी। तो अप स्ट्रोक्स और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के दरमियान में अगर आपका एस आ गया तो आपने क्या करना है, आपने एस को जी बाहर निकाल देना है। तो ये था जी ऑल अबाउट एस, ठीक है जी। तो जो भी आपका क्वेश्चन है इस हवाले से एस के हवाले से तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है एस और जी को लेकर के, तो इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसकी डिक्टेशन में जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपका उसमें मैं शेयर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।